अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे पेशेंट ओपीडी में आता है और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज कर दिया कि उसको मोतियाबिंद है और उसको मोतियाबिंद ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, उसके बाद उस पेशेंट का ओपीडी में एग्जामिनेशन तो होना ही है, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम आता है तो उसका एक पर्दे का कंडीशन देखने के लिए ओसीटी टेस्ट होता है। आजकल ओसीटी टेस्ट सब जगह प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर सब जगह प्रेजेंट होता है। देन एक स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी होती है जो कि ज़्यादा अच्छी ज़्यादा जगह पर नहीं पाई जाती है। स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी में हम पुतली की देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सकती है नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि पुतली इसकी स्ट्रेंथ ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सकती है नहीं कर सकती है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है लेंस की पावर निकालने का। अगर लेंस की पावर एक्यूरेट नहीं है तो सारा का सारा हमारा खेल खराब हो जाता है। लेंस की पावर निकालने का आज की डेट में पूरे दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड है IOL मास्टर 700, जो ZEISS द्वारा बनाई गई मशीन है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लेंस की पावर कैलकुलेशन करती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है IOL मास्टर 700 का जब हम मल्टी फोकल या ट्राई फोकल या दूर नज़दीक का इकट्ठा लेंस लगाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है फेको इमल्सिफिकेशन मशीन का। फेको इमल्सिफिकेशन मशीन बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज होती है, बहुत थोड़े से बहुत सस्ते से लेके और बहुत महंगे तक भी होती हैं। महंगी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो फॉरेन की मशीन है, महंगी इसलिए होती हैं कि उनका कंट्रोल, मशीन का कंट्रोल अच्छा होता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और उसके बाद ऑफकोर्स लेंस की टाइप और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी और बहुत ज़रूरी है कि आजकल हम लोग सभी लोग तो नहीं, हाँ कुछ लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन लेज़र द्वारा करते हैं जिससे कि और सटीकता बढ़ जाती है ऑपरेशन।